हेलो दोस्तों, रोजाना की तरह जैसा हम सेंटेंस बनाते हैं तो आज भी मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाया हूं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे कुछ सेंटेंस लिखे हैं कि अंग्रेजी में कर्नल कैसे लिखते हैं, आप गियर कैसे बदलते हो, मम्मी चाय के दाब कैसे निकालती है, आप वॉशिंग मशीन शुरू कैसे करते हो, बच्चे डिक्शनरी में शब्द कैसे ढूंढते हैं। अगर आपको ये सेंटेंसेस पता है तो वीडियो पॉज करके आप सेंटेंस पहले बना सकते हो और जब मैं सेंटेंस बनाना शुरू करूं तो आप अपने सेंटेंसेस चेक कर सकते हो। तो चलिए आइए हम ये सेंटेंसेस शुरू करते हैं। अंग्रेजी में कर्नल कैसे लिखते हैं, ये आपका पहला सेंटेंस, ठीक है। देखिए, जब आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आए कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं, ये गियर कैसे चेंज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में अगर आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, अगर आप सामने वाले से बोल रहे हो तो आप ये सेंटेंस ऐसे ही बोल सकते हो, हाउ डू यू स्पेल, लिखना, ठीक है, इंग्लिश में लिखना, हाउ डू यू स्पेल कर्नल इन इंग्लिश, ठीक है, इस सेंस में। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन, अगर आप पर्सन को हटाकर बोल रहे हो सेंटेंस तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाउ टू स्पेल कर्नल इन इंग्लिश। दो तरीके हैं, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बना सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप गियर कैसे चेंज करते हो, इसमें तो आप लगा ही है, तो हाउ Do you change the gear? ठीक। Next sentence, मम्मी चाय के दाग कैसे निकालती है? क्या आपको पता है चाय के दाग की इंग्लिश क्या होती है? दाग। दाग को हम बोलते हैं गाइस स्टेन, किसी भी तरीके का दाग, ठीक है, दाग आपका किसी भी तरीके का हो हम उसको स्टेन बोलते हैं, ठीक। मम्मी चाय के दाग कैसे निकालती है? How Does mom, आप निकालने के सेंस में रिमूव का यूज कर सकते हो, रिमूव टी स्टेन, ठीक। नेक्स्ट, आप वॉशिंग मशीन शुरू कैसे करते हो, हाउ डू यू स्टार्ट वॉशिंग मशीन, ठीक। लास्ट सेंटेंस है, बच्चे डिक्शनरी में शब्द कैसे ढूंढते हैं, बच्चे, हाउ डू चिल्ड्रन फाइंड द वर्ड इन डिक्शनरी, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हम इस तरीके से बनाते हैं और इनको आप डेली बेसिस में यूज करके आप अपने सेंटेंसों को बेहतर बना सकते हो। इसी तरह टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए सेंटेंसों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।